भागलपुर नगर निगम की महिला पार्षद के द्वारा वार्ड में सफाई नहीं होने को लेकर इसका विरोध स्वास्थ्य प्रभारी अदित्य जसवाल के चैम्बर में आकर किया गया। महिला पार्षदों के द्वारा स्वास्थ्य प्रभारी को चूड़ी भेंट की गई और कहा गया कि अगर वो सफाई नहीं करा सकते तो चूड़ी पहन कर वो शहर में घूमे। दरअसल नगर निगम भागलपुर में सफाई का जिम्मा दो प्राइवेट एजेंसी के जिम्मे कर दिया गया है, लेकिन वार्डो में सफाई ठीक से नहीं होने के कारण पार्षदों को लगातार आम जनता के द्वारा शिकायत किया जाता है, जिसको लेकर आज पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा और नगर निगम कार्यालय में आकर पार्षदों के द्वारा स्वास्थ्य प्रभारी के साथ जमकर नोकझोंक हुई। वहीं स्वास्थ्य प्रभारी को महिला पार्षदों के द्वारा चूड़ी भेंट की गई। स्वास्थ्य प्रभारी का कहना है कि सामान रखने को लेकर विवाद हुआ है, पार्षद सामान अपने पास नहीं रखना चाहते, जिससे एक समाज सेवी के यहाँ सामान उनके द्वारा रखवाया जा रहा था, जिसका पार्षद विरोध कर रहे थे। अब आगे कोई और व्यवस्था की जाएगी। सफाई को लेकर लगातार पार्षद हो या आम जनता, सभी में आक्रोश का माहौल है। जहाँ एक तरफ डेंगू के डंक से शहर परेशान है, वहीं दूसरी तरफ गंदगी के अंबार के कारण लगातार आम लोगों के साथ साथ पार्षदों का भी गुस्सा सामने आने लगा है। वार्ड का वही स्थिति है कि साफ सफाई नहीं हो रहा है, गंदगी पूरा का पूरा फैला हुआ। सुबह उठते हैं घंटी मोबाइल का बजने लगता है, अच्छा से सुबह भी नहीं हो पाता है और सारा आदमी आके ये आज गंदगी है, इधर गंदा है, इधर गंदा है। इसीलिए हम यहाँ आए कि आदित्य जसवाल जी से हम बात किए, पहले तो उनको हम फोन किए कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, तो आपने जो है लेबर को लौटा दिए हैं। हमने लेबर हम लौटाए, आप पूछे कि क्यों लौटाए, सामान मेरा कह रहा सामान, कहते हैं कोई बात नहीं है, यहाँ लेबर की बात है, आप लेबर बढ़ाइए ना, साफ सफाई होगा, जनता को साफ सफाई चाहिए। जब साफ सफाई नहीं रह सकेंगे तो और हम क्या काम कर सकते हैं उनके लिए। हाँ दिए हैं चूड़ी, जब वो नहीं कुछ कर सकते तो क्या करेंगे, चूड़ी पहन के हम ही लोग साथ में घूमेंगे। अरे सवाल है क्या कि यहाँ जो है ना काम अब वहाँ से लेबर वोबर वापस कर दिया गया, तो हम इतना सा तो पूछ सकते हैं ना। अच्छा वो भी पार्षद से बात नहीं हुआ, पार्षद पति से बात हुई कि जो है ना हम उनसे सीधा दो सवाल किए सिर्फ कि भाई लेबर क्यों वापस कर दिए, प्रभारी क्यों वापस कर दिए, सामान भी आपने दे रहे हैं, काम आखिर कैसे होगा। तो आप लोग का मोनोपोली चलता है, आप लोग जो है काम धाम करना नहीं चाहते हैं, फलना ढकना ये वो जो भी है उनका बोलने का, तो उनको राइट है ना भाई। तो हम बोले ठीक है आप सामान सब तो दे दीजिए कम से कम। तो वो फिर पूछा, एक प्रश्न आया कि जो है ना सामान कहाँ रखेगा, तो हम बोले ठीक है सामान देखते हैं, नहीं होगा तो अभी तत्काल जो है वहाँ पर बगल में एक सामाजिक कार्यकर्ता है, रोज रोज नाम है रोज बाबू, तो हम बोले कि तत्काल वहीं रखेंगे, उसके बाद देखेंगे फिर कहाँ कहाँ, बस इतने सा बात है। बात को बतंगड़ बनाइएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा यार, नहीं तो कुछ नहीं है, कोई खास बात तो था नहीं। कई लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, अब पता नहीं क्यों विरोध कर रहे हैं, ये तो वही लोग ना जाने क्या मैटर है। आपको चूड़ी दे के गए? हाँ चूड़ी दे के गए तो हम क्या करेंगे, हम लोग तो ऐसे सुनते रहते हैं, क्या करेंगे। कंपनी जो आई है वो काम कर पा रही है ठीक से? कंपनी अभी देखिए अभी जो है ना व्यवस्थित सही ढंग से वो नहीं हो पाया है, 15 से 20 दिन हो गया लगभग, अभी व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि जल्दी से व्यवस्थित हो। एक कंपनी तो आपका जो है ना आस्ते आस्ते लाइनअप हो गया है, उस पार वाला कंपनी जो है ना वो लाइनअप अभी नहीं हो पाया है, तो नहीं हो पाया है तो उसको हम लोग देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं। आज महापौर भी बुलाई कि जो है ना दोनों कंपनी को जो है एक ही है इंस्ट्रक्शन दी है कि अगर यदि काम नहीं कर सकते हो तो यहाँ से बुढ़िया बिस्तर समेटो निकलो, यही सब तो बात चल रहा है अभी। अब इसमें मान लीजिए कि एक दिन भी अगर यदि आप काम नहीं कीजिएगा कि अपने वार्ड में काम नहीं कराइएगा तो उससे जनता ना सफर करेगी, तो हम इस ख्याल से बोले कि भाई काम आप क्यों रोकवा दिए, आप तो सरकारी काम में बाधा दे रहे हैं। एक लाइन में जवाब है ना इसका, आप मान लीजिए कि ठीक है वो 58% काम तो करेगा ना, वो आप उसको लौटा दिए गोडाउन जाओ काम नहीं कराएंगे, तो यही सब बात है और क्या, बस इसी पर हम जो है उसमें रिपेयर दिए।
आपकी रक्षाबंधन को खास बनाने के लिए लुक सलोन भागलपुर है तैयार। इस रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करें लुक सलोन के साथ, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सलोन श्रृंखला लुक सलोन, जिसका स्टोर अब भागलपुर में भी खुल चुका है, में मिल रही है भारी छूट और बम्पर ऑफर। जी हाँ, हमारे स्टोर पर सभी प्रकार की सर्विस पर मिल रही है पूरे 20% की भारी छूट। साथ ही हमारे स्टोर पर मिल रही है कॉम्बो ऑफर की भरमार। जी हाँ, जेंट्स के लिए 650 रूपए में मिलने वाली हेयर कट्स और बॉडी मसाज मात्र 455 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला क्लीन अप और डिटेन मात्र 1650 रूपए में, 1900 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र 1330 रूपए में, 1600 रूपए में मिलने वाला हेयर कट बियर्ड और डिटेन मात्र 1120 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और डिटेन मात्र 1750 रूपए में। साथ ही फीमेल के लिए 850 रूपए में मिलने वाला हेयर कट और बॉडी मसाज मात्र 595 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला क्लीन अप और डिटेन मात्र 1650 रूपए में, 2100 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र 1470 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और डिटेन मात्र 1750 रूपए में। मतलब लुक सलोन के साथ अभी रक्षाबंधन होगा सबसे खास, तो अभी हमारे स्टोर पर आए और बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है लुक सलोन, डॉक्टर आरपी रोड, खलीफा बाग, नियर बिग शॉप, भागलपुर। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा अस्पताल में बेहतर इलाज को लेकर दावे भी किए जाते हैं। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसको देखकर समझा जा सकता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है। भागलपुर शहर के हबीबपुर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यह भवन है, यह एक तो जर्जर है, वही दूसरी तरफ इस अस्पताल में एक डॉक्टर की नियुक्ति है, 2 ANM है और एक डाटा ऑपरेटर सहित एक 4th grade एम्प्लॉय है। लेकिन अस्पताल में सिर्फ एक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी ही उपस्थित था। वहीं डॉक्टर भी लंबे समय से यहां नहीं आ रहे और ANM भी कभी कभी ही नजर आती हैं। अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीज डॉक्टर के नहीं रहने के कारण वापस लौट जाते हैं। वहीं इस मसले पर विधायक का कहना है कि उन्होंने भी इसको लेकर विभाग को लिखा है और अगर जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं होता तो इसके लिए मुख्यमंत्री को भी वो लिखेंगे। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात नहीं है, जिले में कई ऐसे प्राथमिक केंद्र हैं जहां डॉक्टर नहीं आते। अगर डॉक्टर नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। मेरा सुशील कुमार नाम। सुशील कुमार, सुशील जी, कोई डॉक्टर उक्टर आए हैं? डॉक्टर तो अभी नहीं है। तब कहाँ आते हैं? हम जब से हैं तो डॉक्टर नहीं है। कितना दिन से आप हैं? हम करीब करीब वही 10-15 दिन से। डॉक्टर ने फिर हम डॉक्टर नहीं आए? नहीं। ANM? ANM तो कभी कभी आते हैं, RIA में चल जाते हैं, आज उन दिन नहीं RIA रहता है तो उस दिन आते हैं। बहुत परेशानी होता है। डॉक्टर आते हैं? नहीं, डॉक्टर कहाँ आते हैं। कितना दिन से दौड़ रहे हैं? 2-3 महीने से डॉक्टर नहीं आते हैं। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, रहते तो हैं यहीं पे। दिखाने आए थे जी? डॉक्टर नहीं है, घूम के जाइएगा। कहाँ जाइएगा? घर जाएंगे और कहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर जहाँ जाए। अभी 9:30 बजे भी आए तो डॉक्टर ने आया, बंद था ताला। अभी वहाँ से देखे तो ताला खुला हुआ, कहीं इसकी मीडिया वाला आया हुआ है। तो क्या देखे, डॉक्टर है? यहाँ डॉक्टर का पता नहीं तो क्या बोले। कहाँ जाइएगा इलाज कराने? कहाँ जाएंगे, छोड़ देंगे, फिर हम बाहर चले जाएंगे तो फिर यहाँ कौन कराएगा? बाहर रहते हैं। हाँ, दिक्कत है काफ़ी, तकलीफ है, थोड़ा कमर में तकलीफ है। बोला दिखा देंगे डॉक्टर को तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने तो किसको दिखाएंगे? कितना दिन से नहीं आता है? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, सिर्फ हबीबपुर की बात नहीं है, मिर्जान है, मोदी नगर में भी है, वहाँ भी डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं। इसका मैंने रिपोर्ट मंत्री जी को किया है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर नहीं सुधार होता है 1 महीने के अंदर, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि वो स्वयं इस बात को देखे। चूंकि जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है तो वहाँ डॉक्टर क्यों नहीं आ रहा है, सिर्फ एक चपरासी आके बैठ के जा रहा है, जनता को कठिनाई हो रही है। निश्चित तौर पर मैं पहले भी संज्ञान में मेरी बात आई थी, मैंने लिखा है और आप विश्वास रखिएगा यहाँ डॉक्टर बैठेंगे और जो नहीं बैठेंगे उनमें। भागलपुर व आसपास के सभी शिवालयों में अहले सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। सावन की 7वीं सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर में गंगा जल दूध सहद से बाबा की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की।
वहीं भागलपुर की बूढ़ानाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, मनस्कामनाथ मंदिर के अलावे दर्जनों शिवालयों में रंग रोगन व फूल पत्तियों से सजावट की गई। गौरतलब है कि सातवीं सोमवारी गजकेसरी स्वार्थ सिद्धि और रवि योग के शुभ संयोग से यह सोमवारी अपने आप में काफी अहम महत्व रखता है। शहर के विभिन्न मंदिरों में शाम के समय दूध शहद व रुद्राक्ष से बाबा का श्रृंगार भी किया गया। भीड़ के मद्देनजर मंदिर प्रबंधन की ओर से बैरिकेडिंग की गई, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुबह 3 बजे से मंदिर का पट खुला है, उसी समय से सुल्तानगंज से कमरिया लोग, बम लोग बाबा पे जल को अर्पण कर रहे हैं। अधिक मास से ये सोमवार का जो सावन का तीसरा सोमवार जो कहा जाता है, अधिक मास के बाद का जो सावन का सोमवार है, इसमें भक्तों का भीड़ है और रात में माँ आरती श्रृंगार का आयोजन है और भक्त श्रृंगार का आयोजन किया जा रहा है। परिचय लोगों की बाबा भूतनाथ मंदिर साहेब है स्वागत किया। भीड़ का तो खैर कोई बात नहीं, आपको देख रहे हैं भीड़ तो बहुत ज्यादा है और खरमास जो था अपना 400 सोमवारी उसका, उसके पहले 200 सोमवारी सावन का, हर पांच तक 200 सोमवारी का ये लास्ट सेकेंड है। सावन के सातवें सोमवारी व नाग पंचमी को लेकर अजगैवी नाथ मंदिर में शिव भक्तों का जल सैलाब उमड़ पड़ा। बताते चले, आज के दिन बाबा भोलेनाथ को उत्तरवाहिनी गंगा जल चढ़ाने पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी को लेकर खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बंगाल, दिल्ली के कांवरिया एवं शिव भक्त अजगैवी नाथ धाम पहुंचकर उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर गंगा जल लेकर पूजा पाठ करते हुए पैदल व वाहन से देवघर स्थित ज्योतिर्लिंग शिवलिंग में बाबा भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाने के लिए निकले। अजगैवी नाथ धाम से लेकर कच्ची कांवरिया पथ से कर देवघर तक का रास्ता बोल बम हरन महादेव के जयकारों से गुंजायमान रहा। इसको लेकर अजगैवी नाथ मंदिर से कच्ची कांवरिया पथ तक डीएम के निर्देश पर सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों के द्वारा कांवरियों की सुविधा को लेकर 3 शिफ्ट में कार्य किया जा रहा है। सोमवार का बहुत महत्व है, सोमवार में भोले बाबा का दिन है, उन्हीं के चलते हम लोग आते हैं सोमवार को ही जल उठाने के लिए, सोमवार ही जल उठाते हैं। आज के दिन आप लोग विशेष पूजा करते हैं? हाँ, विशेष पूजा करते हैं आज के दिन। भोलेनाथ है तो हम है, कहाँ से आए बन लोग? हम लोग आए झारखंड। कितने दिनों में जल चढ़ाइएगा? हम लोग 2 दिन में चढ़ा देंगे, 2 दिन में चढ़ा देंगे। बाबा पर कितना भरोसा है? बाबा पे ही सिर्फ भरोसा के लिए, इसीलिए हम लोग सोमवार को जल उठाने आए हैं, सावन का पावन महीना में, चास बोकारो झारखंड से। भोलेनाथ पर कितनी आस्था है? बहुत आशा, सारा आशा उन्हीं पे टिका हुआ है। जो जो पावन महीने में ये सातवां सोमवारी शुक्ल पक्ष के सातवां सोमवारी है, इसका बहुत महत्व है। लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पूरा रास्ता गूंजते जा रहे हैं और महामृत्युंजय जाप का जाप करके अपना संकल्प करते हैं सभी आस्था, जिनका जो मनोकामना होता है। ओम भूर्वः स्वः जुंसः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धना उर्वा रुक्मिणीवर्धना मृत्योर्मुक्षी मा महा, ये महामंत्र का जाप है, वो जपते हुए जाते हैं, सारे मनोकामना उनका पूर्ण होता है। कोई भी भारी कष्ट में रहते हैं, भक्त इस मंत्र का जाप करवाते हैं, उनका कष्ट दूर हो जाता है। इससे बढ़ के कोई महामंत्र नहीं है भोलेनाथ के। नाग पंचमी के लेकर क्या इसका? आज नाग पंचमी का दिन है, बहुत लोग माता विषहरी का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन के भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम लोग सोमवार के दिन चुने हैं कि आज ही दिन जल उठाएंगे और पैदल चलते हुए हम लोग बाबा की नगरी पहुँचेंगे, वहाँ पर जल चढ़ाएंगे, आशीर्वाद लेंगे बाबा से, यही आप मनोकामना है हमारी। भोलेनाथ पर कितनी आस्था है? हमें तो बहुत आस्था है भगवान पर, बहुत ज़्यादा। हम लोग बहुत मतलब दिल से मानते हैं, हमारे लिए बहुत मतलब गर्व की चीज़ है हमारे लिए। कब से आ रहे हैं बाबा के दरबार? 2013 से हम आ रहे हैं, 10 साल। हाँ, लॉकडाउन में 1 साल नहीं आ पाए थे, उसके बाद रेगुलर आ रहे हैं। बाबा को तो मन्नत पूरा किए होंगे? हाँ, हमारा तो जो भी हम मांगे हैं बाबा से पूरा हुआ है, इसमें हमें कोई इच्छी नहीं है, बहुत। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति भागलपुर द्वारा एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्वास्थ्य समिति भागलपुर COTPA अधिनियम पर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला में दर्जनों लोग शामिल हुए। जिला तंबाकू नियंत्रण समिति की ओर से यह 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। गौरतलब हो कि इस उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला में निश्चित रूप से लोग जागरूक होंगे और समाज बदलेगा।
इसी उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य कर्मियों को तंबाकू से नुकसान क्या क्या होते हैं, उन्हें जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, किस तरह बताया जाए, इस पर लोगों को जागरूक करने की बात कही गई। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमीन विवाद को लेकर एक मामला सामने आया है, जिसमें नाथनगर के रहने वाले अजय मंडल की जमीन पर दबंग विनोद मंडल के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। पीड़ित अजय मंडल ने बताया कि दबंग विनोद मंडल पैसे वाला है, वह हमें पहले षड्यंत्र के तहत झूठे केस में फंसा कर जेल भिजवा दिया, फिर मेरी ही जमीन पर कब्जा कर मुझे ही मेरी जमीन से बेदखल कर दिया, जबकि मुझे पटना हाईकोर्ट से म्यूटेशन का भी आदेश पारित कर दिया गया है, फिर भी दबंग की दबंगगिरी सिर चढ़कर बोल रही है, जिसके चलते मैं इसकी सूचना नाथनगर थाना में भी देने गया, लेकिन वहां से मुझे डांट फटकार कर भगा दिया गया, जिसके बाद आज मैं अपनी फरियाद लेकर SSP कार्यालय पहुंचा हूं। वहीं SSP आनंद कुमार ने हमें आश्वासन दिया है कि शनिवार को जनता दरबार लगता है, आपका काम निश्चित रूप से हो जाएगा। हमारा जमीन जो है कि बिन दबंगता से जो है कि हमारा जमीन को कब्जा करवा लिया है। पहले जो है कि हमारा जमीन जो हमारे कब्जे में था, हमको जो है कि पैसा दे के हमको जेल भेजवा के हमसे जो है कब्जा करवा दिया विनोद मंडल के द्वारा। काहे कि वो दबंग आदमी है और पैसा वाला आदमी है, थाना को जो है कि मैनेज कर लेता है, झूठो मूठ हमसे जो है हमारे ऊपर केस करवा देता है, केस करवा के हमको अंदर भेजवा के हमको जमीन से बेकब्जा करवा दिया, खाली करवा दिया। उसके बाद हम थाना गए, थाना जाते हैं तो हमको डांट फटकार के हमको जो है भगा देता है, न्याय नहीं मिलता है। कोर्ट का जो है कि आदेश पटना हाई कोर्ट का आदेश दिया गया है जो है कि इसका मोटेशन जो है कि किया जाए, 60 दिनों के अंदर में बोला था मामला को निष्पादित करवाने के लिए, लेकिन 60 दिनों के अंदर में मामला को निष्पादित नहीं किया गया है। पैसा का जो है कि खा के जो है कि हमको जो है कि टाल बटोल करता है, उधर से जो है कि वो डांट फटकार के हमको भगा देता है थाना नाथनगर से। आज आए